गाइस, यू ऑल आर वेरी वेलकम टू माय चैनल मेकअप लुक्स एंड कुक्स। गाइस, जो आज का वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि समर्स में मॉइस्चराइजर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है मॉइस्चराइजर लगाने का, बिकॉज हमारा चेहरा ऑलरेडी इतना ज्यादा स्वेटी और स्टिकी हो रहा होता है। ये बात बिल्कुल अग्री करती उस बात से कि हाँ, हमारा फेस बहुत ज्यादा स्वेटी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। कोई भी क्रीम अप्लाई कर ले, लाइट से लाइट क्रीम अप्लाई करे, जेल अप्लाई करे, बट स्किन स्टिकी हो ही जाती है। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है जो कि मैंने खुद अप्लाई किया। इवन मैं इसको ही अप्लाई करती हूँ अपनी एवरीडे लाइफ में। समर टाइम में मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं इसको यूज करती हूँ। गाइस, मुझे बिल्कुल फील तक नहीं होता है कि मैंने कोई भी चीज अपने चेहरे पे अप्लाई की हुई है। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ जैसे कि कोई एड्स चल रहे हैं, ना मैं इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हूँ। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आप ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो इस चीज को। ये एक फ्लूइड है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि डैमेज क्या होता है, आपको क्यों लगता है कि हमें नहीं लगाना चाहिए मॉइस्चराइजर। आपको बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो गाइस, तो आपका जो चेहरा है वो डैमेज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे आपकी स्किन बहुत ही डल और बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगी। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप स्किन पर अपने मॉइस्चराइजर एवरीडे नहीं लगाते हो, तो आपका जो फेस होता है उस पर नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो जो आपकी स्किन है वो नेचुरल ऑयल को सिक्रीट करने लगती है नेचुरली। अगर आप अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाते हो, वो सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन और भी ज्यादा ऑयली हो जाएगी। और भी ऑयली स्किन का मतलब और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स, और भी ज्यादा एक्ने, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, तो ये सब होंगे। इसीलिए आपको लगाना चाहिए। अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो, आपकी स्किन को नरिश करता है और आपके चेहरे के ऑयल को बैलेंस करता है। नेक्स्ट, प्रीमेच्योर एजिंग होती है, आपकी स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो कोलेजन होता है स्किन में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और कोलेजन जो होता है वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ा को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को फर्म रखता है, यंग रखता है। नेक्स्ट जो है वो है ओवर ड्राई स्किन हो जाती है। जो लोग की स्किन ड्राई होती है वो सोचते हैं मत लगाओ, समर्स है क्या लगाना, लेकिन आप स्किन ओवर ड्राई हो जाएगी और इससे भी आपके पिंपल्स और एक्ने हो सकते हैं, चेहरे पर रेडनेस हो जाएगी, स्किन पैची हो जाती है। और पैचीनेस से क्या होता है कि आप अगर आप मेकअप भी करते हो ना, तो आपकी स्किन बहुत ही अनइवन लगती है। तो ये बहुत सारे नुकसान है जो कि आपकी स्किन पर हो सकते हैं अगर आप मॉइस्चराइजर डेली नहीं लगाते हो। मॉइस्चर लगाना इज मस्ट मस्ट मस्ट। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो, इट्स अ क्राइम, लिटरली इट्स अ क्राइम। सो गाइज, ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप एवरीडे नहीं लगाते हो। तो समर्स में अगर हम क्रीम कोई भी क्रीम ले लें, वो हमारी स्किन को बहुत ही हेवी फील कराती है, स्टिकी फील कराती है। तो उसके लिए मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ये है ओरिफ्लेम का ऑप्टिमल्स का हाइड्रा मैट डे फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है, ये ना कोई जेल है ना कोई क्रीम है, ये फ्लूइड है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भरपूर है विटामिन B5 से, एंटी पोल्यूशन है, फिर नेटल है, स्वीडिश इंग्रेडिएंट्स है। देखिए गाइस, ये एक फ्लूइड है और मैं इसको अपने यहाँ पर हैंड पर लगा के दिखाती हूँ। ये इतनी इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, ये एकदम वाटर की तरह है, और आपके चेहरे को ये बहुत ज्यादा नरिश करता है, प्लम करता है, और आपके जो पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है। सो गाइस, जो ये जो है, ये ऑल इन ऑल दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दी समर। ये आप ऑयली स्किन है तो भी ये आपके लिए बेस्ट है, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी बेस्ट है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको हैवी क्रीम्स लगाना या मॉइस्चराइजर लगाना पसंद नहीं है, देन दिस फ्लूइड इज बेस्ट फॉर यू। आप इसको जरूर ट्राई करिए। ये बिल्कुल गायब हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि चेहरे से वैनिश हो गया है, बट ये अपना असर कीप ऑन रखता है, आपके चेहरे पे असर दिखाता रहता है। आप खुद फील करेंगे कि आपका फेस हाइड्रेटेड है और बहुत ही नरिश्ड है, और ये आपकी स्किन को और भी ग्लोई और ब्यूटीफुल बनाता है। सो गाइज, आप अपनी स्किन का टेक केयर करते रहिए। मैं मिलूंगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, किसी नेक्स्ट कैटलॉग के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, अ बिग लाइक टू दिस वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।